नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट सर। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि बिहार बोर्ड ने सभी स्टूडेंट जो 8 मार्क से असफल होते हैं उनको ग्रेस मार्क देने की घोषणा की है। यानी कोई भी स्टूडेंट अगर वो 8 मार्क से असफल हो रहा है तो उनको ग्रेस मार्क मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि मैक्सिमम कितने विषय में असफल होने वाले छात्रों को ग्रेस मार्क मिलेगा। तो आइए जानिए इस पूरे न्यूज को। यहाँ पर देखिए, बिहार बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको लेकर के रेगुलेशन PDF जारी कर दिया है। इस प्रकार से आप रेगुलेशन PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो आपको करना क्या है कि बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, बिहार बोर्ड पर देखिए ऑफिशियल वेबसाइट आ चुका है, इसको टच कीजिए। करने के पश्चात यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेलकम टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB, इसको टच कीजिए। इसको टच करने के पश्चात इसके इवेंट्स एंड नोटिफिकेशन में आइए। यहाँ पर देखिए कि 20/5/2018 को जो है रेगुलेशन PDF अपलोड किया गया है, आप इसको टच कीजिए। टच करने के पश्चात यहाँ पर देखिए डाउनलोड लिखा रहा है। डाउनलोड होने के बाद PDF इस प्रकार से खुलेगा। बिहार बोर्ड का ऑफिशियल रेगुलेशन है जो वेबसाइट पर जारी किया गया है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना दो रेगुलेशन फॉर अवार्डिंग ग्रेस मार्क टू रेगुलर एंड प्राइवेट कैटेगरी एग्जामिनी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड RH फॉलोज। और यहाँ पर यह जो है कि रेगुलर और प्राइवेट कैटेगरी दोनों के लिए है। इन ऑर्डर टू पास द इंटरमीडिएट एग्जाम ए कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन 30% ऑफ टोटल मार्क इन थियोरी पोर्शन ऑफ ईच सब्जेक्ट एंड 40% ऑफ टोटल मार्क्स इन प्रैक्टिकल। यानी थियोरी के कुल मार्क का 30% होना चाहिए, वहीं प्रैक्टिकल आपका जितने भी मार्क आयोजित हुए है उसका 40% उसमें अंक प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि, और आप लोग पूर्व से भी जानते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न के लिए 300 मार्क चाहिए और सेकेंड डिवीज़न के लिए 225 मार्क, वहीं थर्ड डिवीज़न के लिए 150 मार्क या 150 मार्क से ऊपर और 225 मार्क के बीच में आता है तो आपका डिवीज़न थर्ड डिवीज़न होगा। किसी भी विषय में आपको 75 मार्क या उससे ऊपर आता है तो उसमें डिस्टिंक्शन मिलेगा, उसमें D लगा हुआ रहेगा। रेगुलेशन एक में आप देख सकते हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट में 8 मार्क या उससे कम मार्क से अगर असफल होते हैं तो आपको 8 मार्क दे दिया जाएगा, यानी आपको सफल कर दिया जाएगा। वहीं आपको मैक्सिमम 2 विषय में अगर आप असफल हैं तो आपको ग्रेस मार्क मिलेगा। 2 से अधिक विषय में आप असफल होते हैं तो आपको ग्रेस मार्क का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी 2 विषय में असफल होते हैं, मान के चलिए कि किसी एक विषय में आप 4 मार्क से असफल हो जाते हैं और दूसरे विषय में भी आप 4 मार्क से असफल हो जाते हैं तो आपको ग्रेस मार्क मिलेगा। यानी 4 ही नहीं, अगर किसी आप एक विषय में अगर 2 मार्क से असफल हो जाते हैं और किसी दूसरे विषय में अगर आप 6 मार्क से भी असफल होते हैं तो आपको ग्रेस मार्क का लाभ मिलेगा, क्योंकि 6 × 2 = 8, यानी आपको ग्रेस मार्क 8 ही मिलेगा। तो आप उस अनुसार अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप किसी एक विषय में 3 मार्क से असफल होते हैं और दूसरे विषय में अगर आप 5 मार्क से असफल होते हैं या उससे कम मार्क से असफल होते हैं तो आपको ग्रेस मार्क का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप विस्तृत रूप से रेगुलेशन को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप रेगुलेशन को पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब रेगुलेशन 5 देखिए। रेगुलेशन 5 में कह रहा है कि अगर आप फर्स्ट डिवीज़न के लिए 5 मार्क से फर्स्ट डिवीज़न के लिए छूट रहे हैं या 5 मार्क के लिए आप सेकेंड डिवीज़न से छूट रहे हैं तो आपको 5 मार्क दे दिया जाएगा। यानी आप 295 मार्क प्राप्त करते हैं तो आपको 300 मार्क दे दिया जाएगा, आपको फर्स्ट डिवीज़न कर दिया जाएगा। या उससे आप मान के चलिए 96 मार्क प्राप्त करते हैं तो आपको 4 मार्क मिलेगा। 97 मार्क प्राप्त करते हैं 297 तो 3 मार्क। इस प्रकार से आपको जो है सेकेंड डिवीज़न नहीं किया जाएगा, यानी फर्स्ट डिवीज़न कर दिया जाएगा। वहीं आप 220 मार्क प्राप्त करते हैं तो आपको 225 मार्क दिया जाएगा, यानी आपको सेकेंड डिवीज़न कर दिया जाएगा। अगर 221 मार्क प्राप्त करते हैं तो आपको 4 मार्क मिलेगा। तो इस प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और 225 मार्क करते हैं प्राप्त करते हैं तो आप सेकेंड डिवीज़न हो ही चुके हैं तो आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा।
इस प्रकार से आपने बिहार बोर्ड के द्वारा जारी रेगुलेशन को जान लिया है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के वीडियो और रिजल्ट से संबंधित सभी जानकारी को सोर्स में प्राप्त करने हेतु मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।